जय श्री श्याम भाइयों, हरे का सारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा के हैं दो धाम, एक खाटू श्याम जो सीकर जिले में है और दूसरा है चुलकाना जो पानीपत जिले में है, जहाँ पर मैं आज आया हूँ। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे श्याम बाबा की शक्ति बढ़ेगी, उनका प्रकोप बढ़ेगा। तो कौन थे श्याम बाबा, क्यों इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है और क्यों इन्हें तीन बाणधारी कहा जाता है, क्यों इन्हें शीश का दान कहा जाता है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी मेरी इस वीडियो में। तो बने रहना मेरे इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करूँगा और आपको बताऊँगा भी। तो चलिए करते हैं श्याम बाबा के दर्शन मेरे साथ। तो भाइयों, अंदर जाने से पहले ये है बाहर का नज़ारा, श्याम बाबा के लिए प्रसाद आपको यहीं से मिलेगा। इसी के साथ साथ ये है श्याम बाबा का एंट्री गेट, जो बाहर से बहुत खूबसूरत है। अगर भाइयों आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आए हो तो अंदर आपको अपनी गाड़ी पार्क करने की भी जगह मिल जाएगी। अंदर जाने से पहले आपको बहुत बड़ा ग्राउंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर भक्त लोग आराम करते हैं। तो भाइयों, बाबा श्याम के दर्शन के लिए हमें इस रास्ते से जाना होगा। भाइयों, जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा है, श्याम बाबा के दर्शन करने से पहले हमें अपने जूते चप्पल यहीं पे निकालने होंगे, जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। ये है श्याम बाबा का मेन गेट, जहाँ से अंदर जाने पर हमारे श्याम बाबा के दर्शन होंगे। भाइयों, मंदिर का नज़ारा अंदर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइड में है प्राचीन समाधि मंदिर। और साथ ही साथ शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो भाइयों, सामने बैठे हैं हमारे श्याम बाबा। भाइयों, श्याम बाबा के दो हैं फेमस मंदिर, एक है खाटू श्याम में जो सीकर जिले में पड़ता है रिंगस के पास, जहां पर श्याम बाबा ने स्थान ग्रहण किया था, और दूसरा है चुलकाना, जहां पर श्याम बाबा ने अपना शीश का दान दिया था। भाइयों, श्याम बाबा का असली नाम बरबरीक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे। बरबरीक ने माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की, जिससे माँ दुर्गा ने खुश होकर बरबरीक को तीन बाण दिए, इसीलिए ही उन्हें तीन बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में जाने से पहले बरबरीक की माँ ने बरबरीक से दो वचन मांगे, एक जो भी रास्ते में कुछ भी मांगेगा उसको मना नहीं करेगा, दूसरा तू हारे का सहारा बनेगा, इसलिए ही श्याम बाबा को हारा का सहारा कहा जाता है। जब बरबरीक युद्ध के लिए जा रहे थे तो कृष्ण भगवान को उनकी शक्तियों का पता था। कृष्ण भगवान को पता था कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया है कि जो भी हारेगा वो उसी का सहारा बनेंगे। उनको पता था कि अगर कौरव हारे तो वे पांडवों का सहारा बनेंगे, अगर पांडव हारे तो कौरवों का सहारा बनेंगे, ऐसे तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तब कृष्ण भगवान ब्राह्मण के रूप में बरबरीक के सामने आए और उनसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को बोला। जब बरबरीक ने अपने एक ही बाण से पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया था, उनकी शक्ति को देखकर कृष्ण भगवान ने बरबरीक से शीश का दान मांगा था, इसलिए ही उन्हें शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। इससे खुश होकर कृष्ण भगवान ने बरबरीक को वरदान दिए थे कि तू हारे का सहारा बनेगा, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी शक्ति और प्रकोप भी बढ़ता जाएगा, और तुम कलयुग में मेरे नाम से भी जाने जाओगे, इसलिए ही बरबरीक को श्याम के नाम से जाना जाता है। भाइयों, ये है वो पीपल का पेड़, जब बरबरीक ने अपने एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिया था। आज भी इस पेड़ पर आधे से ज़्यादा पत्ते आपको छेद वाले दिखाई देंगे। देखो भाइयों, आज भी इस पीपल के पेड़ के कुछ पत्तों में छेद दिखाई देते हैं। तो भाइयों, इतना ही था आज की मेरी वीडियो में, मैंने श्याम बाबा की सारी चीज़ें आपको बता दी है। जय श्री श्याम, हरे के सारा बाबा श्याम हमारा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। में फिर मिलूंगा एक नए प्लेस पे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।